अहमदाबाद को हेल्प की थी हार्वर्ड, जो यूएस के स्कूल है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसने कलकत्ता को हेल्प की थी MIT ने, विच आर बिग कॉलेजेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन जब 1963 में नीति ये कॉलेज बना था, इसको हेल्प की थी टॉप 3 कॉलेजेस में क्यों नहीं है, कुछ हुआ था व्हेन इट वाज फाउंडेड। और हाय, तो चालू करने से पहले बहुत बड़ा थैंक यू फॉर योर रिस्पांस एंड एंगेजमेंट ऑन मास्टर्स यूनियन वीडियो। बहुत बढ़िया कमेंट्स आए एंड बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया स्टूडेंट्स की साइड से, सो रियली ग्लैड। अभी उन्हीं सिमिलर लाइंस पे मैंने एक बहुत इन डेप्थ रिव्यू कंडक्ट किया है IIM मुंबई इस कॉलेज का भी, और वो हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू नो, जब भी मैं किसी बी स्कूल के बारे में रिसर्च स्टार्ट करता हूँ ना, आई एम वेरी एक्साइटेड इन टर्म्स के बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, हाउ द कॉलेज वॉज फॉर्म्ड, व्हाट वॉज इट्स ऑब्जेक्टिव विजन वगैरह वगैरह, और क्या क्या चीज़ें चल रही है। एंड जितना भी रिसर्च मैंने किया है बाकी कॉलेजेस के बारे में, कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही बाहर आई थी। दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन IIM मुंबई की जब मैंने स्टोरी पढ़ी, आई वॉज समवट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड क्यों, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ या फिर एक एनालॉजी बिल्ड करता हूँ आपके लिए। तो ऐसे समझिए, आपको विराट कोहली तो पता ही होगा, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अगर ये बैट्समैन कल को जाके बॉलिंग स्टार्ट कर दे, वुड यू बी ओके विद दैट? And you might be, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली इज गुड एज अ बैट्समैन। जब वो बॉलर बनेगा शायद अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और वैसे ही कुछ स्टोरी लग रही है मुझे नीति दैट गॉट कन्वर्टेड टू IIM मुंबई इस कॉलेज की। अगेन व्हाई एम आई सेइंग सो, क्योंकि द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज जो भी अभी आज इंडिया के टॉप के कॉलेजेस है, यू नो, 1950s में इंडिया का फर्स्ट बी स्कूल बना था XLRI जमशेदपुर, उसके बाद IIM अहमदाबाद आया, कलकत्ता आया, बैंगलोर आया, सबके सब टॉप पर है। लेकिन नीति एक ऐसा कॉलेज है जो उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था 1960s में ही, अराउंड द टाइम व्हेन IIM अहमदाबाद कलकत्ता वाज फॉर्म। लेकिन आज नीति या फिर IIM मुंबई का वो स्टेटस नहीं है जो बाकी के कॉलेजेस का है। ये क्यों है, क्यों हुआ, वो हम जरूर देखें। लेकिन इस कॉलेज का रिव्यू मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कंडक्ट किया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ गेमिफाइड फॉर्मेट, मैंने बस 5 सवाल पूछे खुद को, जो मैं आंसर करूंगा आपके लिए आज, और उन आंसर्स के ऊपर आप अपना डिसीजन ले सकते हो वेदर यू शुड गो अहेड विद IIM मुंबई और नॉट। और ये 5 क्वेश्चंस बहुत सिंपल है येट कवर्स एवरीथिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, IIM मुंबई का रैंक क्या है और कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है, क्या इन प्रोग्राम में कोई भी USP है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे कि इसकी फीस कितनी है, इसका एवरेज पैकेज या प्लेसमेंट क्या है, एंड थर्ड थिंग ROI कितना है। इसके बाद हम इसकी स्टोरी देखेंगे कि टॉप 3 कॉलेजेस में क्यों नहीं है, क्या क्या कुछ हुआ था व्हेन इट वाज फाउंडेड, और अभी इसके साथ क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग प्रपोजिशन। नेक्स्ट, जब ये कॉलेज नीति से IIM मुंबई हुआ है, तब इसके एडमिशन प्रोसेस में, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम ऑफर्ड, क्या कुछ डिफरेंस आया है या नहीं। एंड लास्टली हम देखेंगे, शुड यू टेक एडमिशन इन IIM मुंबई और नॉट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि IIM मुंबई का रैंक क्या है। एज पर 2023 रैंकिंग गिवन बाय NIRF, IIM मुंबई की रैंकिंग नंबर 7 है, विच इज गुड। टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, टीयर 1 कैटेगरी में आता है, विच इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर एनी कॉलेज इन इंडिया। अगर इसे हम ब्लैकी, मतलब जो बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद वगैरह है, उस कैटेगरी से कंपेयर करें, तो ये उस कैटेगरी में आता है या नहीं। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी, इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्लैकी के बाद जो IIM शिलोंग आता है, इस दोनों के बीच में आज IIM मुंबई का पोजीशनिंग हो सकता है। सो दैट इज बिट सब्जेक्टिव, बट आई थिंक दिस इज फेयर इनफ कि ब्लैकी और शिलोंग के बीच में हम इसको पकड़ सकते हैं। इवन दो अगर मुझे पर्सनली इसे रैंक करना होता, तो मैं शायद इसे ब्लैकी के कैटेगरी में ही डालता, गिवन इट्स लेगेसी एंड ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन। जब इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी, अब थोड़ा यू नो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं कि जब इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी ना, इस कॉलेज का नाम था नीति, और ये नीति जो है ये एक एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नीति। इसके बाद भी इसका नेम चेंज हुआ था, इट बिकेम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिर्फ ट्रेनिंग हटा दिया था। अगर मैं इस कॉलेज के USP की बात करूँ, तो वो आती है ऑपरेशंस और सप्लाई चेन। इसे आज इंडिया का नंबर 1 कॉलेज कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू दिस टू। और इसी के अराउंड ना मुझे इस कॉलेज के साथ इश्यूज है, अभी बात आ ही गई है तो कवर कर लेते हैं। इंडिया में सबसे पहला कॉलेज बना था अराउंड 1950s XLRI जमशेदपुर, उसके बाद 1960s में समवेयर अराउंड 1961 अहमदाबाद बना, कलकत्ता बना। अहमदाबाद को हेल्प की थी हार्वर्ड, जो यूएस
के भी स्कूल है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसने कलकत्ता को हेल्प की थी MIT ने, विच आर बिग कॉलेजेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन जब 1963 में नीति ये कॉलेज बना था, इसको हेल्प की थी यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब इंटरनेशनल लेवल की पावरफुल बॉडी। यू नो 1970s-80s में यूनाइटेड नेशंस वाज रियली स्ट्रांग। तो जब उस लेवल की कोई इंस्टीट्यूशन आता है, आपको हेल्प करती है टू सेट अप अ कॉलेज दैट इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग, यू आर सेट टू अचीव बिगर थिंग्स इवेंचुअली। यूनाइटेड नेशंस के UNDP और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दो इंस्टीट्यूशंस ने इस कॉलेज का सेटअप किया था। सो आफ्टर रीडिंग दिस समवेयर आई थॉट के यार जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो चाइना में हुआ है या कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्रीज में भी हुआ है, वो इंडिया में उतना हुआ नहीं है, उसका एडॉप्शन रेट काफी कम है। शायद इस पे अगर नीति जैसे कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट करते तो अच्छा होता। और यही मेरा फॉलो अप कंसर्न भी है कि अगर कोई कॉलेज इतने स्ट्रांग विजन के साथ बनता है और वो अपने फोकस को हटा के IIM जैसे ब्रांड ड्रिवन, मार्केट ड्रिवन, बिजनेस ड्रिवन टैग के पीछे जाता है, समवेयर आई एम अफ्रेड कि इसका फोकस शायद डाइल्यूट हो जाएगा। Having said that, it is what it is. आते हैं second question पे, that is, what is average salary offered at IIM Mumbai? And secondly, what are the courses, fee structure and ROI? अगर courses की बात करें तो IIM Mumbai में तीन type के MBA cover होते हैं। एक है General MBA, second है MBA in Operations and Supply Chain Management, तीसरा है MBA in Sustainability. अगर legacy courses या flagship courses की बात करें तो ये इनमें से दो ही course है, एक MBA General और दूसरा है MBA in Operations and Supply Chain Management. आज भी इंडिया के टॉप COO, Chief Operating Officers, इन्हीं companies में से बाहर निकलते हैं। When it comes कंपनीज लाइक कोका कोला, मैरिको, एशियन पेंट्स, जहाँ पे हेविली ऑपरेशनल और सप्लाई चेन प्रोफाइल से, वहाँ पर इसी कंपनी के अलुमनाइज टॉप पर बैठे हुए हैं। सो दैट इज वन रियली बिग हाइलाइट। कमिंग टू इट्स फीस, जब ये नीति था 15 लाख तक की फीस थी, वो बढ़कर 21 लाख तक चली गई है। एंड इट कम्स टू एवरेज पैकेज, पिछले साल का रिपोर्टेड एवरेज पैकेज वाज अराउंड 25.4 लाख, व्हिच इज डिसेंट, मोर देन 100% ROI है, या फिर टू बी वेरी स्पेसिफिक 119%। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट लुक्स गुड। अगर कंपेयर की बात करें तो आज अहमदाबाद, बैंगलोर जैसे कॉलेजेस 30 प्लस रिपोर्ट कर रहे हैं, इवन आई एम लखनऊ हैज रिपोर्टेड एवरेज पैकेज ऑफ मोर देन 30। तो इन दोस टर्म्स आई वुड से कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे है, बट एनी टियर वन कॉलेज यू नो डेफिनेटली गिव्स यू कैक पैकेजेस ऑन एन एवरेज इन द रेंज ऑफ 22-28-30, इसके बीच में होता है। So an average package of 25 is decent enough. अब बात करते हैं कि ये कॉलेज टॉप 3 कैटेगरीज में क्यों नहीं आता है। Well, सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया में ना ब्रांड लेवल इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, तीन हाउसेस है। पहला हाउस है अपना IITs का, दूसरा है NITs का और तीसरा है IIMs का। इसके बाहर जितने भी टॉप कॉलेजेस है उन्हें वो ब्रांड लेवल सिनर्जी नहीं मिल पाती। सो इट्स सैड बट इट इज वॉट इट इज। एक्चुअल लेवल पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर अ कॉलेज आउटसाइड दिस अम्ब्रेला। अगर कर लिया तो बहुत सही है, बट दिस इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के आज तक इसकी ज्यादा ब्रांड वैल्यू थी नहीं, IIM मुंबई के बाद बढ़ गई है गिवन दैट इट हैज IIM टैग। सेकंड, जब नीति ऑपरेट करता था इट वाज अ ट्रेडिशनल गवर्नमेंट बैक्ड कॉलेज, तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की बात आती नहीं थी। व्हेन इट कम्स टू PR आउटरीच, बहुत ही डे टू डे चलने वाला काम गवर्नमेंट के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से चलता था, तो दैट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल कॉलेज था। अब शायद IIM टैग लगने के बाद चीजें थोड़ी बदल सकती है। यू माइट एक्सपेक्ट यू नो सम लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सम लेवल ऑफ ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्टंट्स बीइंग परफॉर्म, बट वो होता है, लाइक बाकी के IIMs भी करते हैं, बाकी के बी स्कूल्स भी करते हैं, अगेन दैट इज फेयर इनफ। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब ये नीति था तब बहुत फोकस था सिर्फ इंजीनियर्स को एडमिशन मिल पाती थी, बट नाउ दैट इट हैज ट्रांसफॉर्म टू IIM कुछ चीजें बदली है। बट लेकिन जब आप नॉन इंजीनियर्स के लिए रास्ता बंद कर देते हैं ना, देयर इज अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ द मार्केट दैट यू आर क्लोजिंग डाउन ऑन, तो वो एज अ वैल्यू प्रोस्पेक्ट फॉर द कॉलेज सेल वो डायवर्सिटी के हिसाब से बहुत बुरा होता है। सो आई थिंक ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से टॉप 3 में नहीं था, बट आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द रीजंस आर टेकन केयर ऑफ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, के जब नीति से IIM मुंबई ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं? वेल टिल नाउ आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट अगेन टू हाईलाइट, IIM का ब्रांड वैल्यू एड हो गया है, फीस बढ़ गई है, पैकेजेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज नाउ। नेक्स्ट थिंग जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कि अभी नॉन इंजीनियर्स को भी एडमिशन अलाउ कर दिए IIM मुंबई। लास्टली, शुड यू टेक एडमिशन इन IIM मुंबई और नॉट? वेल अगर आप बहुत जेनरिक सेंस में पूछ रहे हो, देन इट्स अ नो ब्रेनर, डेफिनेट यस। कॉलेज अच्छा है, USP है, इट हैज अ ह्यूज लेगेसी बिहाइंड इट, अलुमनाइज आर टॉप पर है इंडस्ट्री में, एंड इट हैज अ नेम फॉर इट। अगर यू आर समवन हु हैज कॉल्स फ्रॉम ABCL या फिर ब्लैकी कैटेगरी और ISB एक्सिलर है, देन इट इज वर्थ अनदर थॉट। तब मैं बोलूंगा कि क्या आपको कोई टैग से ऑब्सेशन है, क्या ब्लैकी टैग से ऑब्सेशन है, या सेकेंडली आपको स्पेसिफिकली ऑपरेशन या SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करियर करना है या नहीं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आपको ऑपरेशन सप्लाई चेन में जाना है तो अगेन इट्स अ नो ब्रेनर, आप IIM मुंबई ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लैकी टैग से ऑब्सेशन है या फिर आपको ISB या एक्सिलर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, यू कैन रिकंसिडर। एंड लास्टली, अगर आपको सिर्फ MBA सस्टेनेबिलिटी में एडमिशन
एडमिशन देना है, नॉट इन दी यू नो फ्लैगशिप जनरल MBA या फिर MBA इन ऑपरेशंस वगैरह, तब अगेन आई वुड से रिकंसिडर, क्योंकि इन माय पर्सपेक्टिव आई एम लखनऊ का MBA इन सस्टेनेबिलिटी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम इन इंडिया। आफ्टर दैट अगर सस्टेनेबिलिटी में ही जाना है देन आई एम मुंबई इज अ गुड ऑप्शन, बट इफ यू आर इन अ पोजीशन जहां पे आपको आई एम लखनऊ मिल रहा है आई वुड रिकमेंड यू टू टेक दैट। सो हैविंग सेड दिस आई थिंक आपको ये ओवरव्यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट इनसाइट दे देगा कि कॉलेज कैसा है, इसकी बैकग्राउंड कैसी है और आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो। एज यूजुअल मिलते हैं अगले वीडियो में। एज डिस्कस्ड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक एंड सब्सक्रिप्शन, ताकि मैं आपको ज्यादा वैल्यूएबल और इंपैक्टफुल कंटेंट दे पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।